अगर आपकी कचौड़ी आप बनाना चाह रहे हैं, आपने ये मसाला कचौड़ी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया है या आपका मसाला थोड़ा सा गीला हो गया है, तो अब आपने जब ये कचौड़ी को बेली है तो ये इस तरीके से फट जाती है, इसमें से आलू निकल जाता है। इसकी मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक दे रही हूँ। आप इस कचौड़ी को इस तरीके से रख दीजिएगा साइड में, बेली है, इसका आलू निकल गया तले में, ये बिल्कुल आलू कढ़ाई के तेल में बिखर जाएगा और कचौड़ी बिल्कुल जली जली सी बनेगी, वो पूरा चिपक जाएगा इसके अंदर। देखिए इस तरीके से आप ये एक पूड़ी सी बेल लीजिएगा, ये देखिए पूड़ी सभी को बेलनी आती है, ये बेल लीजिएगा और फिर आप ये जो कचौड़ी है इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिएगा। थोड़ी सी बड़ी पूड़ी कर लीजिएगा, मेरी कचौड़ी का साइज़ थोड़ा बड़ा है, फिर पूड़ी को हम थोड़ा सा इस तरीके से और बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से पूड़ी जैसे बेल के उसी आटे की इसको बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा चारों तरफ से। और फिर जो कचौड़ी है आपकी वो इसको आप इस तरीके से इसके ऊपर रख दीजिएगा। रखने के बाद आप इस कचौड़ी को इस तरीके से फोल्ड करते जाइएगा हाथ से, इसमें इसके ऊपर ये पूरा चढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा। क्योंकि अगर आप इसका फिर से गोला बना के इसको बेलने की कोशिश करेंगे तो आलू इसके अंदर है तो आपकी जो कचौड़ी है बिल्कुल नहीं बेलेगी। इस तरीके से एक पूड़ी बना के उसके ऊपर आप चढ़ा लीजिएगा और हल्के हाथ से इसको जरा सा परथन लगा करके थोड़ा सा, और ये इस तरीके से आप इसको दोबारा से हल्के हाथ से ऐसे बेल दीजिए। ये देखिएगा इस तरीके से ये आपकी कचौड़ी बन के तैयार होगी। जो मसाला आपका निकल रहा था वो इस तरीके से इसके अंदर अच्छी तरीके से रैप अप हो गया है। तो है ना आसान सी टिप, आप लोग भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा और कचौड़ियाँ गर्मा गर्म बना करके सबको खिलाइएगा। देखिए कितनी अच्छी सी खुशखुशी सी बढ़िया कचौड़ी आपकी बनके तैयार हो गई है।